किसान मोर्चे दे विच पैदा हुंदे विवादां दे विच हुण निहंग सिंघां दा नाम भी जुड़ चुकिया है। नित कोई ना कोई नवी खबर सामने आई हुंदी है। हाले कल दी ही गल है जदों एक निहंग सिंघ दी खबर सामने आई जिस दे विच निहंग सिंघ दे वल्लों किसी व्यक्ति दे नाल लड़ाई होण करके निहंग सिंघ ने उस व्यक्ति दी लत ही तोड़ दित्ती। निहंग सिंघ दा कहना सी कि उह व्यक्ति बीड़ी पी रिहा सी अते बीड़ी पीण तों मना करन ते उसने निहंग सिंघ नूं धक्का मारिया, पर उत्थे मौजूद लोकां दा इह कहना सी कि निहंग सिंघ ने उसदे कोलों मुरगा मंगिया जो कि उस व्यक्ति ने देने तो मना कर दिता, जिस तो बाद निहंग सिंह ने उसकी लत ही तोड़ दिती। पर दोहां दे विचों गल कोई भी होवे पर अजिहे माहौल दे विच इस तरह का काम करना बलदी दे उत्ते तेल पाउण दा काम करेगा अते एक होर माड़ा इल्जाम पूरे निहंग जथेबंदियां दे उत्ते लगेगा चाहे गलती किसे दे भी होवे। हुण हर एक निहंग सिंह जथेबंदी उस निहंग सिंह नूं अपना बंदा नहीं मन रही, पर अजिहा काम उस निहंग सिंह ने क्यों किया? सो सिखी की पहचान सिर्फ बाणे तो नहीं हुंदी, निहंग सिर्फ बाणा पा लैण दे नाल नहीं बण हुंदा, सिखी बंदे दे विचारां ते कर्मां दे विच झलकदी है। वो सिखी जब बाणे दे नाल मिलदी है तां पूरन सिंह सामने आउंदा है। जसवंत सिंह काफ़ी समा पहला जलंधर दे कोल एक पिंड दा निवासी सी। गरीब घर दे विच जन्मिया जसवंत सिंह अपने माता पिता की मौत तो बाद घर दे विच इकल्ला रह रहा सी। फिर किसी तरह करके आनंदपुर साहब निहंग सिंह जथेबंदी दे विच सेवा करदिया कुछ समा उत्थे कढ़िया अते फिर अमृत छक के निहंगी नीला बाणा धारण कर लिया। हौली हौली बाणी दा धारनी बनिया, अपना सिखी सरूप समय दे नाल निखारदा चलिया गया अते पूरन निहंग सिंह बन गया। पर एक सिख नूं अपना हंकार त्यागना पैंदा है चाहे वह रूप दा होवे जां फिर अपनी ताकत दा। गतके दे विच माहिर जसवंत सिंह 10-20 बंदिया उत्ते इकला ही भारी पै जांदा सी अते इसी गल ते उस नूं माण भी सी। हंकार हौली हौली उस दे सिर ते चढ़िया, जथेबंदियां चों बाहर आ के अपने पिंड दे विच रहण लग्गिया। आदत अते हंकार तों मजबूर जसवंत सिंह अपने ताकत अते बाणे दे रूप दे नाल लोकां दे नाल लड़ाई झगड़ा मुल लैंदा, कदी किसी दी लड़ाई दे विच मोहरे हो के नजायज़ ही ताकत दा प्रदर्शन करदा। हौली हौली लोग भी उसनूं अपने नाल ही लड़ाई झगड़िआं उत्ते लै के जाण लगे अते उस दे बदले उसनूं पैसे मिलदे। हुण जिस काम दे विच जसवंत सिंह पै चुकिया सी उह काम ने उसनूं निहंग सिंह जथेबंदी अते सिक्खी सिधांतां तों दूर कर दित्ता अते हुण जदों अजिही नजायज़ कुटमार दे विच उसनूं पैसे भी मिलण लगे तां उसदे अंदर लालच भी आउण लग्गिया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने अपने सिंघां नूं अपनी ताकत दे उत्ते कंट्रोल रखना सिखाया है। ताकत दा प्रयोग जोधे मैदान दे विच ही हुंदा है, ना कि किसी गरीब मजलूम दे उपर। जोध मैदान छड के भजे दुश्मन दे उत्ते पिछों वार करना भी सिखां दा सिधांत नहीं है, ते जो सिंह गुरु की आग्या तो उल्ट चलता है वह गुरु का सिंह नहीं हो सकता चाहे वह बाणी का धारनी क्यों ना होवे, ते इह गल हर कोई जानता है। सो जसवंत सिंह अपनी ताकत का जोर गरीबा ते मजलूमां दे उत्ते करन लग्या, जमीना दे उत्ते कब्जे करने अते उस दे बट्टे उसनू पैसे मिलने, गरीब तो समान लै लैना ते उस दे पैसे नहीं देने, उल्टा गरीब नू पैसे मंगण दे थप्पड़ ही मिलदे सी। इस तरह एक बार एक पंजाबी कुलवीर सिंह जो कि सब्जी का काम करता सी उसका घर किसी वधिया जमीन दे नाल लगता सी जो कि कुलवीर सिंह बेचण तो ना कर रहा सी। जसवंत सिंह ने उस पंजाबी सिख कुलवीर सिंह नू बुरी तरह कुटिया अते उसकी दस्तार की परवाह भी ना की, उपरों उसकी सारी सब्जी भी खराब कर दिती ते उसकी जमीन के उत्ते पक्का ही डेरा ला के बैठ गया। पर शायद ये डेरा उसका आखिरी डेरा साबित होया। उस जगह के उत्ते रहिंदिया जसवंत सिंह नू हले 15 ही दिन होए सी कि उसके पेट के विच तेज दर्द रहन लग्या। पहला पहल तो उसने लोकल ही मेडिसिन लैके काम सारिया, पर हौली हौली उसनू बुखार होया ते उसका सारा शरीर कमजोर होने लग्या। जो भी वह खाँदा सी वह उल्टी जां फिर बेकार के रूप के विच निकल जाता। हालत कुछ अजिही हो चुकी सी कि उसके कोलों हुण मंजे तो भी उठाया नहीं जाता सी, तो जिन्हां लोगों के नाल वह कब्जे लैन जाता सी वह उसकी हालत देख के उसकी मदद करन दे लई सामने भी नहीं आए। जिस शरीर ते ताकत दे उत्ते घमंड करदा सी उह शरीर हुण दिनां दे विच ही सुक के तीला हो गया, पर जिस गरीब दी जगह दे उत्ते उह कब्जा करके बैठा सी आखिरी कुछ दिनों दे विच उसी गरीब कुलवीर सिंह ने उसकी शरीर की सफाई की, वह भी इस करके क्योंकि जसवंत सिंह दे शरीर दे उत्ते गुरु का बाणा सी। कुछ दिनों दे विच विच ही जसवंत सिंह अपने प्राण त्याग गया। 10-20 बंदियां नूं कुछ भी ना मनण वाला अज मंजे दे उत्ते पिया दिखाई भी नहीं दे रहा सी। फिर किसी निहंग सिंह जथेबंदी की मदद दे नाल उसका अंतिम संस्कार किया गया अते उसका हंकार उसी अग्नि दे विच सड़ के सुबाह हो गया। सो एक निहंग सिंह बाणी बाणे ते सिक्खी दा धारनी हुंदा है, उहनां दी तलवार जुलम दे खिलाफ ही उठदी है ना कि किसी शक्ति दे प्रदर्शन दे लई। सो कल्ला किसी दा बाणा देख के उसनूं निहंग सिंह कहना बिल्कुल सही नहीं है।